अगली खबर कानपुर से है। आपको बताते चले कि कानपुर छात्र ने इंडिगो के कस्टमर केयर नंबर पर धमकी दी, 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिराने की धमकी दी है। 10वीं के छात्र ने पिता के फोन से कॉल कर धमकी दी। न्यू आजाद नगर चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराया मुकदमा। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर से इस बीच खबर आपको बताते चले कि छात्र ने इंडिगो के कस्टमर केयर नंबर पर धमकी दी, 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिराने की धमकी दी और 10वीं के छात्र ने पिता के फोन से कॉल कर ये धमकी दी। न्यू आजाद नगर चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी छात्र को हिरासत में लेके इस दौरान पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय सिंह यादव हमसे जुड़ चुके हैं। विजय, 10वीं के छात्र ने 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिराने की धमकी दी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि सेन के पश्चिम पारा इलाके की घटना है, जहां पर एक हाई स्कूल के छात्र के फोन से पिता को इंडिगो केयर की जो फोन के द्वारा एयरलाइंस के विमान को गिराने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में पूछताछ की जा रही है। आगे की जो जानकारियां हैं वो जल्द ही जल्द पुलिस शेयर करने वाली है। विजय, हिरासत में लेके पुलिस ने छात्र से पूछताछ की है, पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया सामने? देखिए, पूछताछ में अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है कि पुलिस ने किस तरीके से पूछताछ किया है और दोनों ने क्या जवाब दिया है। हालांकि ये जानकारी इंडिगो के जो कर्मचारी हैं उनको दी गई थी, जिसकी सूचना पर दिल्ली में बैठे अधिकारियों ने प्रदेश पुलिस से संपर्क किया और जिसके बाद कानपुर पुलिस सक्रिय हुई और सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक DCP ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया, जल्द ही इस मामले को खुलासा करने की बात की है। जी विजय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि कानपुर के छात्र केंद्रों के कस्टमर केयर नंबर पर धमकी दी, 40 विमान रिहायशी इलाकों में गिराने की धमकी दी। 10वीं के छात्र ने अपने पिता के फोन से कॉल किया था। न्यू आजाद नगर चौकी इंचार्ज ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।